हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी ह्यूमन हार्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, रक्त परिसंचरण। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक किस प्रकार पहुँचाई जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। या सिंपल भाषा में बोलना चाहें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से। अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा, हमारे हार्ट में आएगा। और हार्ट में लाने वाली जो आर्टरी होती है, वेन क्या करती है, हमेशा शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। और वेन क्या करेगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डालेगी, और राइट एट्रियम से वो ब्लड होता हुआ कहाँ चला जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, हमारे लंग्स तक पहुँचा दिया जाएगा। और उस ब्लड को पहुँचाने का काम कौन करेगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि आर्टरी क्या करती है, हमेशा प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करेगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी। और ये ब्लड लंग्स में किस प्रकार से ऑक्सीजनेटेड होगा यानी प्योर होगा, हम उसके बारे में देखते हैं। क्या होगा, जो ब्लड के अंदर आरबीसी होती है उसमें क्या होता है, आरबीसी में ऑक्सीजन और CO2 के जैसे क्या होता है, हमारा ब्लड प्योर और इम्प्योर होता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा होती है, जो CO2 होता है इसको क्या कर दिया जाता है, हमारे लंग्स को पहुँचा दिया जाता है। और हमारे लंग से जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी द्वारा ले ली जाती है। इस प्रकार से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यानी CO2 युक्त ब्लड था, वो अब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया यानी ऑक्सीजन युक्त हो गया। अब उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाएगा, हमारे हार्ट को पहुँचा दिया जाएगा। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, पल्मोनरी वेन करेगी। कौन करेगी, पल्मोनरी वेन करती है यानी कि फुसफुसे सिरा। अब ये ब्लड फुसफुसे सिरा से होता हुआ, पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ आएगा, हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो ब्लड कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी एओटा द्वारा यानी कि महाधमनी द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है, हमारे बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और इसके बारे में, ब्लड के बारे में हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे।